नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 15 जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में, जो आने वाले एसएससी सीपीओ एलडीसी सीजीएल रेलवे एनटीपीसी बिहार दरोगा के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है अबुल फजल, जो 1590 से 1596 के बीच तीन खंडों में इसे लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसका सही उत्तर है अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी सेना और श्रेणी पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। आपको बता दें, इस क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, आदि रेखांश कहां से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण है? इसका सही आंसर है SO2, जिसका IUPAC नेम है सल्फर डाइऑक्साइड, जो वाटर में सोल्यूबल होता है। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही उत्तर है बदायूनी, जो रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका सही उत्तर है बाबर, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। चलते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। इसका फॉर्मूला होता है C7H5NaO2। चलते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? इसका सही उत्तर है पानी। निम्नलिखित में किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? पानी। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं आज के नौवें क्वेश्चन की तरफ, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है एंडोस्कोपिक। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोपिक। चलते हैं आज के दसवें क्वेश्चन की तरफ, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ के नाम से भी जाने जाता है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण 1448 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, जिसका 1192 में शिलान्यास और 1199 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। चलते हैं आज के 13 क्वेश्चन की तरफ, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है। चलते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की तरफ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? इसका सही उत्तर है लाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। चलते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ, कोशिका क्रिया का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। कोशिका क्रिया का कारण है पृष्ठ तनाव।
चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है बाबर। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके